थोड़ी सी शॉर्ट बॉल, बहुत भरपूर इसका फायदा उठाया। आगे खेले उत्तम स्ट्रोक, फहद का फन बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे खेले इस पर दबाव पास, उत्तम स्ट्रोक, फलक बॉस छक्का होगा ये। To this all important day, 6 September, Yom-e-Difa-e Pakistan celebrity T20 match, और मैं welcome करना चाहूँगा, साथ ही साथ good luck wish करना चाहूँगा Defenders 11 और Showbiz 11 को जो यहाँ मौजूद हैं। और इस मौके पे मैं invite करना चाहूँगा हमारे chief guest को Major General इफ्तिखार हसन साहब, DG Rangers, और साथ में उनके chairman Saima Group जीशान जकी साहब के वहाँ आए और players से मुलाकात करें। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन साहब और टीम से मिलेंगे आके वो, और टीम्स को कैप्स देंगे। कैप्स देने के बाद जो है यहाँ पे फोटो सेशन होगा, यानी वो सारी टीम से पहले इंडिविजुअली मिलेंगे। और इस वक्त मैं, जिस वक्त कौमी तराना हो रहा था, कौमी तराने का मोमेंट एक ऐसा होता है कि गूज बम्प मोमेंट होता है चाहे वो जहाँ भी। सो रिसेंटली मैं एकदम से याद करूँ कि पैरालंपिक्स में इस दफ़ा हमें अपना कौमी तराना सुनने को मिला, बिकॉज पैरालंपिक्स में हैदर अली ने जो है वो गोल्ड हासिल किया है। सो एकदम से जब वो कौमी तराना चलना शुरू हुआ तो वो चीज़ एक याद आ गई। और यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट जो हैं डीजी रेंजर इस वक्त जो है टीम से मिल रहे हैं, शोबिज़ 11 से उन्होंने मिलना शुरू किया है सबसे पहले, और हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। जब जिस तरह मैं कौमी तराने की बात कर रही हूँ, सो नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था और भरा हुआ था, खचा खच ये स्टेडियम। इस वक्त तो हम कोविड की वजह से नहीं आ सकते स्पेक्टेटर्स ज़्यादा, जबकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे यहाँ आने के लिए। एंड आई रिमेंबर के नेशनल एंथम चलते चलते बीच में एमसी ने ऑन पर्पस जो है वो रोक दिया, और उसके बाद सारे स्टेडियम से सबने मिलके वो नेशनल एंथम खत्म किया था। और वो मोमेंट मुझे फिर से जो है वो बार बार याद आ रहा था, रिकॉल हो रहा था, एक डेजा वू फीलिंग हो रही थी। बट इस वक्त जो है हमारे चीफ गेस्ट ऑलमोस्ट शोबिज 11 से जो है वो मिल चुके हैं। डीजी रेंजर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मेजर जनरल इफ्तिखार हसन साहब, और इफ्तिखार हसन साहब जो है वो कैप्स भी दे रहे हैं सारे टीम मेंबर्स को। We'll be right back.
लगा आप, देखा एक चौका और दूसरा छक्का, अब क्या कहेंगे आप? नहीं माशाल्लाह, अच्छा तुम्हारी दुआ लग गई माशाल्लाह। हेलो, मैं आपको मैंने इसीलिए बिठा रहा, सामने बैठी है, आपको देख के अच्छा खेलेगा। मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जवेरिया सऊद मेरे साथ मौजूद हैं और आज यहाँ चीयर कर रही हैं अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि शोबिज 11 में सऊद भी मौजूद है। सबसे पहले तो जवेरिया वेलकम हियर, और फुल कमांडो स्टाइल में आई हैं आप। थैंक यू सो मच। और आपको पता है ये बात कितने लोग इस तरह से कह चुके हैं, तो मैंने कहा कि अपने ही लोगों को और अपने जो हमारे हीरोज हैं उनको रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका यही है कि हम इस कपड़ों में जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल जवेरिया, और जब आपने बोर्ड पे देखा कि 215 बन गए, यानी 216 शोबिज 11 बनाने, कुछ दिल में धक-धक हुआ कि नहीं रह गए? हाँ बिल्कुल हुआ था, लेकिन धक-धक की कोई बात नहीं है, अगर जो भी टीम जीतेगी, जीत हमारी ही है एक्चुअली। हमारी जीत ये है कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी अरसे के बाद बिला खौफ और ख़तर इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सारी हमारी फोर्सेस को जो है ना सलाम है कि उन्होंने इस तरह का माहौल हमारे लिए मुहैया किया कि हम लोग अपने घर से बिला खौफ ख़तर निकल के यहाँ पे आके इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के शोबिज 11। आई होप सऊद भाई की टीम जीत जाए। नहीं, मैंने कहा ना जीता कोई भी जीत हमारी है, और आज के मौके पर मैं सबको दुआ देना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे पाकिस्तान को गहरा बना के रखे। आमीन सुमा आमीन, पाक फोर्सेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।